हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो कि विश्वकर्मा पूजा का छुट्टी था, तो हम सभी लोग जो कि गांव के सभी लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। ये भैया लोग हैं गांव के, इन्हीं लोग के यहाँ हम रहते हैं यहाँ पर पुणे में। बाकी हम सभी लोग जो कि जा रहे हैं आज घूमने के लिए, और ये भैया हैं, इनका गाड़ी है ये, और इसी से चलेंगे घूमने के लिए। देखिए ये पुणे का लोकेशन, कितना खूबसूरत जगह है यहाँ पर। तो हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। देखिए पुणे का कितना खूबसूरत नज़ारा है। एनसीसी कॉलेज गेट नंबर 4 है ये। पुणे का गांव साइड एरिया, इधर देखिए कितना हरियाली है। पुणे का स्टेडियम जो कि काफ़ी अच्छा लोकेशन में बनाया गया है। पूरा एकदम आगे पहाड़ है, इधर साइड पूरा उधर एक नंबर का खूबसूरत जगह है। बाकी बगल में हाईवे है, गांव एरिया धान वगैरह जो भी साफ करती होता है इधर। देखिए गाड़ी आगे पूरा पहाड़ वगैरह है, इधर हम लोग घूम रहे हैं गाड़ी से। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आए हैं पूरा पुणे के गांव एरिया में। यहाँ पर एक भैया हैं, वो इन्होंने जमीन लिया है, शायद यही जमीन। गाँव भैया ये जमीन है गाँव। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो कि प्लाटिंग हुआ है, यहाँ से भैया लोग जो कि जमीन लिए हैं। ये भैया जो हैं सामने वाले, यही जो कि यहाँ पर लिए हैं, उनका जमीन यहीं पर है। ये लगभग 7.5 लाख रुपया प्रति गुंटा मिल रहा है, यानी एक बिस्सा इस एरिया में। काफ़ी खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छी जगह। पूरा आउटर में है लेकिन जगह अच्छी है। तो दोस्तों जो कि हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, देखिए गणेश भगवान का काफ़ी जो कि बड़ा मूर्ति है। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, नज़ारा। जय हो गणेश भगवान। और ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा है। देखिए दोस्तों ये भैया लोग साथ में, और पीछे का कितना खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पर जो कि गणपति बप्पा का जो कि मंदिर है, काफ़ी जो कि बड़ा है। और ऊपर तो दोस्तों जो कि मंदिर से दर्शन करने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं दूसरे मंदिर के लिए। अब वहाँ पर देखते हैं, पहुँचते हैं, वहाँ का वीडियो बनाते हैं। बाकी देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से बाहर का। और ये देखिए गणपति जी का मंदिर कितना खूबसूरत बना हुआ है, काफ़ी ऊंचाई पर। तो दोस्तों जो कि अब चल रहे हैं हम लोग दूसरा मंदिर के लिए, जो कि पहाड़ी पर है, काफ़ी ऊंचाइयों पर। सब लोग इधर से निकल लिए हैं। तो दोस्तों अब हम सभी लोग आ गए हैं, और ये देखिए सामने जो पहाड़ है, अब इस पर चढ़ाई होगा, जो कि काफ़ी ऊँचाई है। देखने में थोड़ा हाइट नहीं लग रहा होगा लेकिन काफ़ी ऊँचाई है। इस पर अब हम सभी लोग जो कि चढ़ाई करेंगे। यहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर जाकर दर्शन भी करेंगे हम सभी लोग। देखिए ये है नंदी भगवान जी, इनका यहाँ पर मूर्ति है, और एक कछुआ है, और ये जो है कि ऊपर शंकर भगवान का मंदिर है। देखिए कितना सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। चढ़ा भैया लोगन पानी ऊपर पी लेवा। दोस्तों जो कि हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हैं इस टाइम, अभी जो कि आधा स्टेप पूरा हुआ है।
आप देख सकते हैं कि हम लोग जो कितना ऊपर हैं, यहाँ से पूरा कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, लेकिन बहुत ही छोटा छोटा सब कुछ दिख रहा है। बाकी अभी हम लोग का जो मंजिल है वो है एकदम आगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर अभी चढ़कर जाना है। अभी आधा रास्ता कंप्लीट हुआ, अभी आधा बाकी है। हेलो गाइस, ये देखिए हमारे गांव के छोटे छोटे बड़े लोग यहाँ पे आए। नज़ारा देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लुक है और ये बहुत ही ऊँचाई पे है। भारत सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सेलारवाड़ी लेड़ी। तो दोस्तों यहाँ पर जो कि मंदिर है और यहाँ पर लोग हाथ पैर धो रहे हैं, अब हम भी हाथ पैर धो लेते हैं, भैया लोग धो लिए, फिर उसके बाद जो है कि मंदिर में चलकर दर्शन करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत पहाड़ में जो कि पानी इकट्ठा हुआ है और ये इतना गहरा है कि शायद हम डूब सकते हैं। तो अंदर देखिए दोस्तों, पूरा पहाड़ कर पहाड़ को काट कर और जो है कि यहाँ पर शिव शंकर भगवान का मंदिर बनाया गया है। देखिए यहाँ पर मंदिर मूर्ति स्थापित किया गया है। जय भोलेनाथ। पूजा करने के बाद देखिए सभी लोग जो कि एकदम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, एकदम टॉप पर जाना है इसके। कैसे चढ़ रहे हैं देखिए, माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों जो कि हम लोग फाइनल पहाड़ की टॉप ऊंचाई पर आ गए हैं और यहाँ से आप जो कि पूरा खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं इधर का, जो कि सब कुछ एकदम जीरो जीरो लग रहा है। नीचे का गाड़ी घर वगैरह जो भी सब कुछ एकदम जीरो जीरो लग रहा है। ये देखिए पंखा लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए पंखा लगा हुआ, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक कनेक्शन किधर से? यहाँ पर लिखा है प्रेम स्वर का मार्ग है, जय भोलेनाथ मंदिर घोराडेश्वर। और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ पर पहाड़ की टॉप ऊंचाइयों पर एक घर बनाया गया है। हम लोग को तो खाली चढ़ने में हालत ख़राब हो गया, लेकिन यहाँ पर ये लोग ईंट और जो कि बालू सीमेंट ये सब कैसे चढ़ाया होगा। यहाँ पर एक गाय भैंस वगैरह भी शायद इतना ऊपर पर रहता है, और भी इसके ऊपर कुछ है लेकिन वो उतना ऊपर नहीं जाएंगे, इतना ही में हालत ख़राब हो गया। बाकी देखिए आगे रोड है, उधर रेलवे ट्रैक है, आगे उधर जहाँ हम लोग गणपति जी का मंदिर पे गए थे वहाँ पर वो सामने हैं। बाकी देखिए ये है पूरा पुणे जो कि सिटी, और इधर भी है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। अब देखिए लोग जो कि ऊपर चढ़ रहे हैं, ये दोस्तों भैया लोग जो कि अब चढ़ रहे हैं और भी ज़्यादा ऊपर तक, लेकिन अब मेरा हिम्मत नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी साथ में जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों जो कि हम लोग आ गए एकदम बिल्कुल टॉप पर, अभी उससे पहले थोड़ा नीचे थे लेकिन एकदम टॉप पर आ गए, और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा जो कि पुणे सिटी दिख रहा है, जो कि सब एकदम चारों तरफ से ये पूरा जो कि टॉप पर है हम लोग। गजब का खूबसूरत नज़ारा है, अभी आगे चल रहे हैं, देखते हैं आगे क्या है। वीडियो बना रहे हैं, सब कर रहे हैं। देखा देखा सच मत दिया नीचे। अरे नहीं वीडियो बना रहा था तो बताएं भाई। देखा दुर्गेश नाई आ जाएगा पहले यार, सब देखा के दिन रहा जीवा हो रहा है। तो दोस्तों देखिए जो कि सामने स्टेडियम है और इसके बाद इधर का देखिए खूबसूरत नज़ारा, ये है पुणे सिटी जो कि काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी जो कि बड़ी है, देख सकते हैं पूरा खूबसूरत नज़ारा। और बादल को भी देखिए जैसे लग रहा पूरा एकदम नीचे उतर गया है, यानी काफ़ी ऊंचाई पर हम लोग इस टाइम हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा हवा चल रहा है। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर घूमने के बाद हम लोग चलेंगे रूम के लिए, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों।